वर्ष 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती का शासन था। उस 5 साल के कार्यकाल को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं। मायावती ने अपराध पर एकदम नकेल कसती थी। विधि व्यवस्था बिल्कुल ठीक, हत्या, बलात्कार और लूटमार की घटनाएं बहुत कम हो गईं। सारी सरकारी भर्तियां भी बिना किसी घोटाले के होने लगीं। फिर वर्ष 2012 के चुनाव में मायावती हार गईं। कारण ये कि मजहबी वोटों का समाजवादी पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मजहबी समुदाय को कानून व्यवस्था चाहिए ही नहीं, अपराध पर रोक लगाने से उसे असुविधा होती है। असुविधा ही नहीं, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। उसे तो अराजकता चाहिए, पुलिस की अनुपस्थिति चाहिए, उपस्थिति नहीं। अखिलेश यादव ने आते ही मजहबी समुदाय की मुराद पूरी कर दी। हर थाने का असली प्रभारी स्थानीय मस्जिद का इमाम हो गया। सितंबर 2013 तक, अर्थात अखिलेश यादव के शासन के मात्र 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में 140 दंगे हो चुके थे। सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जब एक पत्रकार की हत्या हो गई, तब मीडिया को ये सब आंकड़े पता चले। दंगे ही नहीं, अन्य सारे अपराध भी चरम पर थे। मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे नगरों में भी हिंदू महिलाओं पर ब्लेड से हमले आम बात थी। जो इन दिनों मीम भीम एकता की बातें करते हैं, वे अनुसूचित जातियों के गरीबों की भूमि और घर हड़पने में जुटे थे। अधिकांश घटनाओं में अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पकड़े भी गए तो आजम खान जैसे संरक्षकों ने उन्हें छुड़ा दिया। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हिंदू जागे। 8 महीने बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, तब जाकर मजहबी समुदाय भी थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के हिंदू उस अंधकार युग को आज तक भूले नहीं हैं। वर्ष 2017 में नहीं, 2019 और 2022 में भी नहीं। अब योगी आदित्यनाथ का शासन है तो भय पहले से भी अधिक है। लेकिन मजहबी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। स्कूल जाती लड़कियों को साइकिल से गिराना हो या अनुसूचित जाति के हिंदुओं के मकान जलाना, ये समुदाय हर अपराध में आज भी सबसे आगे है। चाहे घर पर बुलडोजर चल जाए या एनकाउंटर ही क्यों ना हो जाए। वर्ष 2010 के बाद अरब के कई देशों में सरकारों के प्रति विद्रोह और तख्ता पलट की घटनाएं हुई। ये वही समय था जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस समय तक विश्वभर के वामपंथी कहते थे कि अमेरिका इस्लामी देशों में तानाशाही सरकारों को समर्थन देता है। ओबामा भी वामपंथी थे। अपनी वामपंथी थ्योरी के अनुसार उन्होंने आते ही अरब देशों के तानाशाहों को समर्थन देना बंद कर दिया। परिणाम ये कि एक के बाद एक इस्लामी देशों में सरकारें गिरने लगी। पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अराजकता फैल गई। हिंसा में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। कई अच्छे खासे समृद्ध देश खंडहर में बदल गए। तात्पर्य ये है कि अराजकता ही उनकी मूल प्रवृत्ति है, उत्तर प्रदेश हो या खाड़ी का कोई देश। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बराक ओबामा जैसा कोई वामपंथी, सभी मजहबी समुदाय की इस मूल प्रवृत्ति को भली भांति जानते हैं। लेकिन ये सभी एक बात भूल जाते हैं कि अब सोशल मीडिया का युग है। यूपी के हिंदू सोशल मीडिया द्वारा ही समझ गए थे कि अपराध नहीं बढ़ा है बल्कि जिहाद चल रहा है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक के हिंदुओं ने समझा है कि कन्हैयालाल या उमेश कोल्हे की हत्याएं अपराध के कारण नहीं बल्कि जिहाद का परिणाम है। भारत हो या विश्व का अन्य कोई काफिर देश, शासक वर्ग को यह भ्रम रहता है कि मजहबी समुदाय भी वही चाहता है
जो काफिर चाहते हैं, नौकरी, छात्रवृत्ति और लोकतंत्र। इसलिए सत्ता पाते ही वे उनकी नकेल खोल देते हैं। फिर मजहबी माफिया वही आरंभ कर देता है जो उसकी असली ताकत या कोर कॉम्पिटेंस है। पहले मीडिया, साहित्यकार और इतिहासकार इन सब पर पर्दा डाले रहते थे। अब सोशल मीडिया के कारण काफिर डॉट्स कनेक्ट करना सीख गया है। जब बात अपने जीवन की आती है तो बड़े से बड़ा मुफ्तखोर भी एक बार सोचने को विवश होता है। यही कारण है कि वोट बैंकों के मैनेजर इन दिनों चुनाव में हारने लगे हैं। जो हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रहे हैं उन्हें भी इससे कुछ सबक लेना चाहिए। यू कैन नेवर अपीज अ माफिया गैंग, नेवर। यू कैन ओनली क्रश इट। यू गिव इट स्लाइट लीवे एंड इट विल स्वॉलो यू होल। आप एक माफिया गैंग को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। आप केवल उनका दमन कर सकते हैं। उन्हें जरा सी भी छूट मिली तो वे आपको पूरा का पूरा निगलने को तैयार बैठे हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।